नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। 22 जिले 22 खबर की शुरुआत करते हैं। सिरसा में उप मुख्यमंत्री ने आम आदमी पार्टी के एक विधायक के पेंशन के सवाल पर कहा कि पहले आम आदमी पार्टी इस पर अपना स्टैंड क्लियर करे। वही पंजाब के अधिकारियों की दिल्ली में हुई बैठक पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि बैठक चाहे दिल्ली में हो चाहे इंग्लैंड में, जब तक पंजाब की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। पंजाब के अधिकारियों की बैठक चाहे दिल्ली करा ले चाहे उसको इंग्लैंड ला के तैयारी करा ले, जब तक पंजाब की फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं होगी पंजाब की व्यवस्था नहीं सुधरेगी। घोषणाएं बहुत बड़ी बड़ी करी हुई और ये आपको रिजल्ट दिख रहा होगा कि पंजाब में नई सरकार बनने के बाद आज एक महीने में बजट भी पंजाब सरकार नहीं बना पाई। अब दिल्ली के अधिकारी चाहे बजट बना ले, अधिकारी तो अधिकारी है, सारे यूपीएससी से पास होकर आईएएस अफसर है और मुझे नहीं लगता कि किसी की वर्किंग कैपेबिलिटी में कोई अंतर होगा। जब तक आर्थिक हालात नहीं सुधरेगी पंजाब नहीं सुधरेगा। और वही नारनौंद में फसलों में जलभराव की समस्या को लेकर 17 गांव के किसानों का पिछले 31 दिनों से लगातार प्रदर्शन जारी है। वही धरने पर पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला भी पहुंचे और उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी किसानों के साथ है, जब तक खराब फसलों का मुआवजा नहीं मिलता हम किसानों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। हंदवाड़े के लिए गर्मी सर्दी की परवाह किए बिना मुख्य प्यासे धरने पर बैठे हो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। संघर्षशील और जुझारू लोग अपनी बात को मनवाने के लिए परिश्रम करके सरकार को मजबूर कर देते हैं। किसान खुशहाल है, देश मालामाल, और अगर किसान कंगाल है तो फिर देश का बुरा हाल। ये मौजूदा सरकार आज इस देश के किसान के साथ भेदभाव बरत रहे हैं। पलवल अनाज मंडी में गेहूं की खरीद को लेकर किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का प्रशासन पर आरोप है कि गेहूं के ना तो सही समय से उठान हो रहे हैं और ना ही समय पर पेमेंट मिल रही है। वह पलवल अनाज मंडी से हमारे सहयोगी ने जायजा लिया, देखिए। प्रदेश में किसानों की खरीद को लेकर तमाम वायदे हरियाणा सरकार की तरफ से किए गए थे, जिसको लेकर पलवल में भी अनाज की आवक शुरू है और लगभग 2,04,000 क्विंटल गेहूं अभी तक आ चुका है, जिसको लेकर पलवल की अनाज मंडी में किस तरह की तैयारियां गठबंधन सरकार की तरफ से की गई थी उनका हम यहां पर रियलिटी चेक के दौरान पहुंचे हैं और तमाम यहां पर जो कमियां और जो सुविधाएं जो वायदे किए थे उसको लेकर भी एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसको लेकर अभी हम पलवल की अनाज मंडी में मौजूद हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम गेहूं को कट्टों में भरा जा रहा है, बोरियों में भरा जा रहा है ताकि इसको सेफ रखा जा सके। और लगभग आज तक की जो खरीद हुई है लगभग 2,04,000 क्विंटल की खरीद हुई है, पर जो वायदे सरकार की तरफ से किसानों के लिए किए गए थे कि उनके आने की व्यवस्था और उनके अनाज की जो लिफ्टिंग की व्यवस्था है उसको लेकर किस तरह की तैयारियां हैं, हमारे साथ मौजूद है हरियाणा प्रदेश मंडी आढ़ती एसोसिएशन के उप प्रधान गौरव तेवतिया, उनसे जानते हैं कि किस तरह की तैयारियां देखने को मिली हैं। क्या कहोगे कि जो सरकार ने वायदे किए थे क्या सरकार खरी उतरी उन वादों पर? कुछ वादे हैं जैसे कि पेमेंट वाले जो करते थे 72 घंटे के अंदर, वो उस पर तो फेलियर है गवर्नमेंट, बिल्कुल भी इसमें कुछ भी नहीं है। हमारे पास ना तो मैसेज आते थे ना हमको कंफर्म होती थी कि किसान के अकाउंट में पेमेंट चली गई है या नहीं गई है। कल रात से हमारे अपने मैसेज आए हैं, कल पूरे 1 तारीख की खरीद की पेमेंट हमारी 14 तारीख तक नहीं हुई। अब इससे आप समझो कि कितने दिन में गवर्नमेंट तय करती है, कितनी सुविधाएं देती है, कितना कुछ करने के लिए वायदे करती है। 4 लाख कट्टे में से 1.5 लाख कट्टे की लिफ्टिंग कराई है, वो भी आढ़तियों ने अपने वाहनों से कराई है, ठेकेदार ट्रांसपोर्टरों का कोई सहयोग नहीं है। जो शिकायत हम 2 तारीख को CM साहब से भी करके आए थे, 2-3 चीज़ों की मांग पत्र रख के आए थे कि ये ट्रांसपोर्टर हमारे मतलब आढ़तियों को खा जाते हैं, एक घुन है ये हमारे लिए, पर इनको ख़त्म नहीं कर सकते। और रही बात ये कि इस लिफ्टिंग में और ना इनके वादों में
कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। प्रशासन सरकार का प्रशासन पर कोई दबाव नहीं है, जिसे देखा जा रहा है मंडी के हिसाब से। तो अगर हम बात करें यहाँ पर जो तमाम वायदे सरकार की तरफ से किए गए थे कि किसान आएंगे, किसानों के लिए विश्राम की व्यवस्था की जाएगी, पानी की व्यवस्था की जाएगी, उनको किसी भी तरह की असुविधा नहीं होने दी जाएगी, कितनी खरी उतरी सरकार उन मामलों में? हम कह देंगे परफेक्टली कि एक महीने पहले, सीजन शुरू होने से पहले वाटर कूलर लग चुके थे, पर रेस्ट की कहते हैं जो विश्राम करने के लिए जगह है, विश्राम करने के लिए तो उनके लिए एक कुर्सी की जगह गवर्नमेंट ने नहीं करी। नहीं है पानी की व्यवस्था है, उसको हम कहेंगे जो चीज़ है पानी की व्यवस्था, वाटर कूलर वगैरह सेक्रेटरी साहब ने पूरे एरिया में मतलब मंडी के चारों कोने पर लगा रखे हैं, बीच में पॉइंट में लगा रखे हैं। देखिए कहीं ना कहीं जो हरियाणा मंडी आढ़ती एसोसिएशन के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनकी नाराजगी साफ है कि सरकार की तरफ से जो वायदे किए गए थे उनमें ना तो कहीं सरकार खरी उतर रही है, ना ही सरकार की तरफ से जो लिफ्टिंग की व्यवस्था प्रॉपर दी जानी चाहिए वो देखने को मिल रही है। आप देखा जाए एक और सबसे मेन चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर बारिश आ जाए तो बारिश में अभी तक इन कट्टों को कोई ना तो ढकने की कोई व्यवस्था की गई है, बारिश में ये गेहूँ पूरी तरह से खराब होता हुआ नजर आएगा। खरीद के तो तमाम वायदे सरकार की तरफ से किए गए थे, परंतु सच्चाई कुछ और ही नजर आती है। कैमरामैन करतार के साथ नितिन शर्मा, इंडिया न्यूज़ पलवल। लगातार हो रही गेहूं की आवक से वल्लभगढ़ मंडी में चारों तरफ गेहूं के ढेर लगे हुए हैं, लेकिन लिफ्टिंग का काम अभी भी शुरू नहीं हुआ है। मार्केट कमेटी के डिप्टी सेक्रेटरी ने बताया कि मंडी से गेहूं और रबी की दूसरी फसलों की लिफ्टिंग पूरी तरह से बंद है, अगर जल्दी लिफ्टिंग शुरू नहीं हुई तो हालात और भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं। वही मौसम विभाग ने एक दो दिन में बारिश का अनुमान भी जताया है, जिससे किसानों की चिंता और बढ़ गई है। मार्केट कमेटी के डिप्टी सेक्रेटरी के मुताबिक खरीद एजेंसियों के पास ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं होने से मंडी से लिफ्टिंग नहीं हो रही है। आपको बता दें कि एसडीएम ने भी ट्रांसपोर्टर्स बुलाकर लिफ्टिंग के निर्देश दिए थे, लेकिन अभी तक हालात जस के तस हैं। जी बिल्कुल, लिफ्टिंग हमारे अनाज मंडी में बिल्कुल नहीं हो रही। कल भी तीनों एजेंसियों को जिन्होंने अपने सरकारी गेहूँ खरीदा है इनको बुला के और आढ़तियों की मीटिंग कराई थी, तो आज वो शायद अपने निकलने का रास्ता नहीं रहेगा, किसान को अपनी फसल डालने की जगह नहीं मिलेगी, तो मेनली तो यही हमारे लिए समस्या हो जाएगी। एजेंसियों का नाम बताइए। जो एजेंसियाँ, तीन एजेंसी हमारे यहाँ खरीद कर रही हैं, DFSC जिनके दीपक सोनी हैं, SWC जिसके बलदेव सैनी हैं, और FCI के श्री प्रशांत अग्रवाल। उनसे आप? हाँ बिल्कुल, हर रोज़ हमारी उनसे बात होती है। अभी वो थोड़ी देर में ऑफिस में भी आएंगे और उनसे फिर इस बारे में विषय पर चर्चा होगी कि जल्द से जल्द लिफ्टिंग स्टार्ट करवाई जाए। भवानीखेड़ा अनाज मंडी में आढ़तियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आढ़तियों का आरोप है कि मंडी में बिजली पानी जैसे मूलभूत समस्याओं का निस्तारण भी नहीं हो पा रहा है। आढ़तियों ने मांग की है कि अनाज मंडी में फसल खरीद कर उठान प्रक्रिया बढ़ाई जाए ताकि समय से अनाज का उठान हो सके। किसानों का प्रशासन पर आरोप है कि 72 घंटे के बाद भी किसानों के खाते में पैसा नहीं पहुंच पाया है। मंडी में मौजूद आढ़ती ने बताया कि अनाज मंडी में बिजली पानी की समस्या जस की तस बनी हुई है, जिसके समाधान की मांग कई बार अधिकारियों से की जा चुकी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। कुरुक्षेत्र में सांसद नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय और निगरानी कमेटी की बैठक हुई। बैठक में वही थानेश्वर विधायक सुभाष सुधा मौके पर मौजूद रहे। नायब सैनी ने बताया कि बैठक में फैसला लिया गया कि कोरोना को जड़ से मिटाने के लिए सभी को वैक्सीन लगाई जा रही है। 12 से 15 वर्ष के बच्चों को भी वैक्सीनेशन के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिससे आगे और ज्यादा गति दी जाएगी। कोविड की चौथी लहर की आशंका के चलते स्कूल प्रबंधन भी सतर्क हो गए हैं। रेवाड़ी के कैम्ब्रिज स्कूल में बच्चों के लिए की जा रही व्यवस्था को लेकर स्कूल प्रिंसिपल प्रतीका मुंजाल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि स्कूल की ओर से सावधानी बरती जा रही है। बच्चों को स्कूल के गेट पर ही पहले सैनिटाइज किया जाता है, उसके साथ ही सभी बच्चों को मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। कोविड से बचाव को लेकर स्कूलों में क्या प्रबंध किए जा रहे हैं, इसके लिए हम बात करेंगे कैम्ब्रिज स्कूल की प्रिंसिपल प्रीतिका मुंजाल जी से। आखिर किस तरह से स्कूल में बच्चों के बचाव के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं और बच्चों को क्या एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है? मैम, जिस तरह से लगातार चौथी लहर की आशंका व्यक्त की जा रही है, बच्चों के लिए क्या प्रबंध हैं जिससे कि उनको बचाया जा सके, आप किस क्या प्रबंध कर रहे हैं आप लोग? सर, जो हमारी फर्स्ट वेव में हमने जो प्रिकॉशंस लिए थे,
उसी को हमने कंटिन्यू रखा है। हम बार बार बच्चों को बताते जा रहे हैं कि कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो उनको उतना ही सीरियसली लेना है हर वेव को। तो हमारे यहाँ पे हर आप कॉरिडोर में देखेंगे यहाँ सैनिटाइज़र, हैंड सैनिटाइज़र लगाए हुए हैं, जो बच्चों को क्लासरूम में जाने से पहले हर बच्चे को हैंड सैनिटाइज़ करके जाना पड़ता है। यहाँ पर आप देखेंगे जो परमानेंट फर्नीचर लगा है, जो कि दो टीचर्स यहाँ बिठाए जाते हैं, जो ये देखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग, जब भी बच्चे क्लासरूम से बाहर भी आते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें। हर बच्चे के बैग में आपको हैंड सैनिटाइज़र की बॉटल मिलेगी। मास्क के बिना स्कूल में एंट्री अलाउड नहीं है। एक एक्स्ट्रा मास्क भी हर बच्चे के बैग में होगा, और अगर गलती से बैग में वो भूल जाते हैं तो स्कूल से भी मास्क प्रोवाइड किया जाता है। स्पोर्ट्स में जब मास्क नहीं पहन सकता बच्चा, तो हम बहुत ही छोटे ग्रुप को स्पोर्ट्स में भेजते हैं, ताकि वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खेल भी सके और उसको पूरी प्रिकॉशंस भी ले सके। मैम, जिस तरह से स्कूल पूरी क्षमता के साथ चल रहे हैं, स्कूल चलाने भी जरूरी है, कितना चैलेंजिंग होता है इस तरह की व्यवस्थाओं को बनाना? सर, बहुत ही चैलेंजिंग होता है। हमें हर बात में ध्यान रखना पड़ता है कि कोई बच्चा स्कूल में कभी इन्फेक्टिव ना हो जाए। टीचर्स को बार बार ध्यान दिया जाता है कि आपको बिल्कुल मास्क उतार के, इवन मास्क पहन के ही टीचिंग कराई जाती है कि हमारी वजह से कोई भी बच्चा इन्फेक्टेड ना हो जाए। और हम बार बार बच्चों को समझाते हैं कि उन्हें अपना किस तरह से ध्यान रखना है, किसी के साथ खाना शेयर नहीं करना है, किसी के साथ पानी शेयर नहीं करना है, अपनी वाटर बॉटल वो लेके आते हैं, लेकिन यहाँ भी स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाता है। अगर पानी भी उन्हें दिया जाता है तो हम बहुत एहतियात बरतते हैं कि बच्चा कोई भी ऐसा चीज़ ना हो जो स्कूल की वजह से उसको इन्फेक्शन हो। जैसे कहा जा रहा है कि जो जून माह में फोर्थ जो लहर की बात की जा रही है, अभी क्या स्कूल की क्या स्थिति, अभी आपने स्कूल में क्या? सर, हमने जितने भी बच्चों को सरकार ने वैक्सीनेशन का बोला था, हमने स्कूल में उसका इंतज़ाम कराया था। अभी हमारे स्कूल में मंडे को फिर कैंप है, 12 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं जिनको वैक्सीन नहीं लगी है उनको हम स्कूल में ही लगा रहे हैं। वैक्सीन भी बहुत बड़ा बचाव है, क्योंकि हम सब तीसरी लहर से इसीलिए बाहर आए कि हम सारे लोग वैक्सीनेटेड थे और काफ़ी हद तक बचाव कर पाए। तो हमारी पूरी कोशिश की जा रही है कि सभी बच्चे जो भी इस एज के अंडर आते हैं, जो सरकार के द्वारा दी गई है 12 से ऊपर, उन सभी बच्चों को वैक्सीन लगे। जो नहीं लगवा पाए बाहर से, उनका इंतजाम स्कूल में ही किया जाए। अभी बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे, कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि अभी भी कोविड से बाहर नहीं आए हैं हम, और कोई भी वेव अभी हमें किसी को भी नहीं पता, चाहे डॉक्टर्स भी नहीं समझ पाए होंगे कि कौन सी वेव कितनी खतरनाक है। तो हमें हर एक बच्चे से या हर एक इंसान से इस तरह बात करनी है कि वो कोविड पेशेंट है। हमें उतना ही ध्यान रखना है जितना हम किसी कोविड पेशेंट से मिलने पे ध्यान रखेंगे, तभी हम अपने आप को बचा पाएंगे। जी, जिस तरह से कैम्ब्रिज स्कूल के प्रिंसिपल कृतिका मुंजाल ने बताया कि बच्चों को लगातार एडवाइज किया जा रहा है और उनको बचाव के तरीके भी बताए जा रहे हैं, ऐसे में सवाल है कि आखिर इसने लार्ज स्केल पर बच्चों को कैसे सुरक्षित रखा जा सकेगा? लेकिन स्कूलों की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो या फिर हैंड सैनिटाइजिंग की बात हो, मास्क की बात हो, उनको हिदायत देने के साथ साथ उनका ध्यान भी रखा जा रहा है। रेवाड़ी से इंडिया न्यूज़ के लिए मैं अमित विश्वकर्मा। गुरुग्राम में लगातार बढ़ते कोरोना के नए मामलों के बाद अब स्कूलों में बच्चों को कोरोना से बचाने और दूर रखने के लिए तमाम इंतजाम आज किए जा रहे हैं। जिस तरीके से गुरुग्राम में बीते 3 दिनों से 400 से अधिक कोरोना वायरस के नए मामले सामने आए, तो वहीं पर आप स्वास्थ्य विभाग की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है, और इसी को लेकर आप एक रिपोर्ट देखिए। गुरुग्राम में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ती नजर आ रही है। पिछले बीते 3 दिन की मैं बात करूं तो 400 से अधिक मामले कोरोना के नए सामने आए, और ऐसे में दूसरी तरफ मैं बात करूं जो एक पेरेंट्स हैं उनकी भी चिंताएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि उनका बच्चा स्कूल में है तो वो किस तरीके से है। लेकिन तमाम जो इंतजाम है स्कूल प्रबंधक ने किए हुए हैं, जिस समय वो स्कूल बच्चे पहुंचते हैं तो सबसे पहले सैनिटाइजर और उसके बाद उनको मास्क दिया जाता है, क्योंकि जिस तरीके से पहले भी कहा जाता था 2 गज की दूरी है और मास्क है जरूरी, इन तमाम नीतियों के साथ अब एक बार फिर बच्चे स्कूल पहुंचे हैं तो आप देख रहे हैं कि जो बच्चे हैं लगातार सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि 2 साल के कार्यकाल कोरोना के काल में कहीं ना कहीं जो वर्चुअल उनकी जो क्लासेस थी तो कहीं ना कहीं पढ़ाई का उनका लॉस हो रहा था, लेकिन एक बार फिर बच्चे स्कूल पहुंचे और मास्क के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। और तमाम स्कूल मैनेजमेंट की मैं बात करूं, तमाम इंतजाम उन्होंने कोरोना से लड़ने के लिए किए हुए हैं। जिस तरीके से गवर्नमेंट की मैं बात करूं, सेंट्रल गवर्नमेंट कि मैं बात करूं, जो उनकी गाइडलाइंस हो उनको फॉलो किया जा रहा है। स्कूल के चेयरमैन मेरे साथ हैं, उन्हीं से जानना चाहूंगा सर किस तरीके के लगातार एक बार गुरुग्राम में फिर मामले बढ़ रहे हैं, उसको लेके स्कूल में क्या तैयारी की गई है, किस तरीके से? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट की और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो भी गाइडलाइन है
हम उसको फॉलो कर रहे हैं और जैसे ही बच्चा मेन गेट में स्कूल में एंट्री करता है तो सबसे पहले बच्चे को सैनिटाइज किया जाता है, उसका टेम्परेचर नोट किया जाता है, उसका मास्क चेक किया जाता है कि उसके बाद बच्चे को स्कूल में एंट्री किया जाता है। और आप देख सकते हैं क्लासरूम में भी कि हमें सोशल डिस्टेंस का हमने ध्यान रख रखा है, एक बेंच पे एक ही बच्चा बैठता है और रोजाना जब बच्चों की जब छुट्टी हो जाती है तो पूरे स्कूल को सैनिटाइज किया जाता है। तो बिल्कुल मैनेजमेंट की तरफ कहीं ना कहीं तमाम इंतजाम किए गए हैं बच्चों को सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि एक परिवार के लिए एक डर जरूर है लेकिन तमाम इंतजाम है। बेटा नाम बताइए। प्रिंस। किस तरीके की व्यवस्था है स्कूल में, जब स्कूल आते हैं सैनिटाइज करते हैं? जब हम स्कूल के अंदर एंटर करते हैं उसके बाहर गेट में हमें सैनिटाइज किया जाता है, फिर हमारे स्कूल में मास्क चेक किए जाते हैं गंदा है कि नहीं, फिर हमें मास्क दिए जाते हैं, फिर हमारा टेम्परेचर चेक किया जाता है। तो पढ़ाई कैसी चल रही है अभी? पढ़ाई अच्छी चल रही है और आप सब भी अपने आसपास के लोगों को बोलिए कि मास्क लगाए और स्कूल में भेजे। हाँ, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं वो भी, आप कहीं ना कहीं जो बड़े हैं उनको एक कहीं ना कहीं संदेश जरूर दे रहे हैं कि वो खुद मास्क लगाएं और भीड़ भाड़ वाली जगह से जाने से बचें और अपने बच्चों को स्कूल भेजें। मैम, आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेवारी आती है क्योंकि लगातार बच्चों को आप शिक्षित करते हैं और कहीं ना कहीं एक जिम्मेवारी आपकी बनती है, टीचर है। यस यस, एज ए मदर टीचर मैं मतलब बहुत खुशकिस्मत हूँ कि बच्चे दोबारा से स्कूल में आ गए हैं और मैं चाहूँगी कि सारे बच्चे फिर से आए और मैं खास करके सभी का बच्चों का ध्यान रखती हूँ कि सारे मास्क लगा के क्लास में बैठे और अच्छे से पूरा साफ सफाई का भी ध्यान रखती हूँ, उनकी हेल्थ और हाइजीन का भी ध्यान रखती हूँ। और मैं तो ये चाहूँगी कि सभी स्कूल के सभी जागरूक हो और सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजें और फिर से हमारी शिक्षा फिर से वही हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे देश में शिक्षा का लॉस हुआ है। हाँ, तो बिल्कुल जिस तरीके से स्कूल की बात करें तमाम इंतजाम है और ऊपर से उन परिवारों के लिए राहत की बात है कि जिनके बच्चे अब स्कूल जा रहे हैं क्योंकि स्कूल के द्वारा मास्क हो, सैनिटाइजर हो या फिर टेम्परेचर की बात हो, तमाम वो चीज़ें ध्यान में रखी गई हैं जिससे कि कोरोना से बचा जा सकता है। गुरुग्राम से संजय राठौर, इंडिया न्यूज़। अंबाला के डीएवी कॉलेज ग्राउंड में इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट एक्सलेंस एकेडमी द्वारा अंडर 16 क्रिकेट टूर्नामेंट करवाया गया, जिससे के पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत किया, जहां उन्होंने सभी अच्छा खेलने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया। आयोजकों की तरफ से मेयर शक्ति रानी शर्मा का टूर्नामेंट में पहुंचने पर भव्य स्वागत और धन्यवाद भी किया गया। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने बच्चों को दिल लगाकर मेहनत से खेलने को कहा और साथ में उनकी हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया। इसके अलावा उन्होंने जल्द बच्चों के लिए खेल प्रतियोगिता करवाने का भी ऐलान किया। और यहाँ पर बहुत खुशी हुई है और खास करके हर एज ग्रुप के बच्चों को यहाँ देखा मैंने, बहुत अच्छा लगा देख के कि इनमें इतना अच्छा जज्बा है खेलने के लिए। इतनी धूप पड़ रही है उसके बावजूद भी सुबह से खेल रहे हैं, तो बहुत ही बढ़िया लग रहा मुझे। और बस मुझे अफसोस है कि मैं इनका मैच पूरा विटनेस नहीं कर पाई, नहीं तो और अच्छा लगता। बहुत बच्चों के लिए बहुत नुकसान हुआ है पिछले 2 सालों में, बच्चों की कोई एक्टिविटीज़ नहीं हो सकी, ना खेल में ना पढ़ाई में। 2 वर्ष इन लोगों के बेचारों के ख़राब हुए हैं, पर ऐसी कोई बात नहीं है, बच्चों में इतनी वो एक कैपेबिलिटी होती है कि वो बहुत जल्दी इसको कवर अप कर लेंगे और वो जो 2 साल पीछे छोड़ के आए हैं ये उससे भी आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि उनमें अब ज़्यादा उत्साह है। आप देखिए बच्चे स्कूल जाने के लिए तत्पर हैं, घरों में माँ को कहते हैं हमें स्कूल भेजो स्कूल भेजो, तो ये बच्चों में अभी उत्साह है, तो बाहर निकलेंगे तो जो इन्होंने कमी नुकसान झेला है उसको पूरा करेंगे। और मैं आज कोचेस से बात भी कर रही थी कि बच्चों के ऑन एंड ऑफ टूर्नामेंट्स होते रहें ताकि इनमें उत्साह बना रहे, खेल में ज़्यादा से ज़्यादा दिलचस्पी लें। और मैंने इनसे भी ये भी पूछा कि महिला क्रिकेट में बहुत कम महिलाएं भाग ले रही हैं, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सब स्कूल से अपील करूं कि हमारी लड़कियों को भी बाहर निकालें क्रिकेट की फील्ड में, बाहर आके खेलें, क्योंकि आज विश्व स्तर पे हमारी लड़कियां बहुत अच्छा खेल रही हैं और मैं चाहूंगी कि हमारी अम्बाला से भी बहुत अच्छे प्लेयर्स बन के निकले। पानीपत की जाटल रूट पर सीवरेज निर्माण का काम करते समय हादसा हो गया। सोदापुर गांव में हुए इस हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई जबकि 2 मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है।
वह दोनों मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि जाटल रोड पर सीवर कनेक्शन का काम चल रहा था, इसी दौरान सीवर में गहराई नापने उतरे एक मजदूर की हालत बिगड़ने लगी, तभी उसके बचाव में दो साथी मजदूर अंदर गए, लेकिन वे दोनों भी अंदर ही बेहोश हो गए। काफी देर तक दोनों सीवर से बाहर नहीं आए तो सीवर के बाहर खड़े साथी मजदूरों ने शोर मचाया तो मौके पर भीड़ जमा हो गई। मौके पर पहुंचे लोगों ने तीनों मजदूरों को बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती करवाया। झज्जर में अपराधी एक बार फिर से बेखौफ हो गए हैं। ड्यूटी दे रहे पुलिसकर्मियों की टीम को अज्ञात बदमाशों ने गाड़ी से कुचलने का प्रयास किया। गनीमत रहे कि पुलिस की टीम बाल बाल बच गई, लेकिन जब पुलिस की टीम ने बदमाशों को पकड़ने का प्रयास किया तो बदमाश पुलिसकर्मियों को चकमा देकर भागने में सफल हो गए। पुलिस ने इन अज्ञात बदमाशों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच जारी है। कानून व्यवस्था बनाए रखना और आमजन की सुरक्षा पुलिस की जिम्मेवारी है। ऐसे में पुलिस दिन और रात गश्त करती है, पेट्रोलिंग करती है, वाहनों की चेकिंग करती है। रात्रि के समय में पुलिस चेकिंग के दौरान झज्जर बागली मार्ग पर जब एक संदिग्ध कार को रुकवाने का इशारा किया तो गाड़ी चालक ने अपनी कार को पुलिसकर्मियों पर ही झोंक दिया। जैसे तैसे पुलिसकर्मियों ने अपनी जान बचाई, लेकिन कार चालक वहाँ से अपनी कार लेकर फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस वाले ने कार का पीछा किया, लेकिन कार चालक भाग गया और गाड़ी का नंबर पुलिस वालों ने ट्रेस कर लिया। DSP राहुल देव ने बताया कि गाड़ी के नंबर के आधार पर मामले की छानबीन की जा रही है और जल्द से जल्द जो भी ये लोग होंगे पुलिस के शिकंजे में होंगे। इंडिया न्यूज के लिए झज्जर से जगदीप। अपराध पर लगाम लगाने के लिए पंचकुला में इंटर स्टेट क्राइम कोऑर्डिनेशन की मीटिंग आयोजित की गई। इस मीटिंग से हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ के पुलिस अधिकारी शामिल हुए। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत हुई, जिसमें गैंगस्टरों, वांटेड और मोस्ट वांटेड बदमाशों के पकड़ने समेत जेल से गैंग चलाने पर नकेल कसने जैसे मुद्दे पर बातचीत हुई। मीटिंग में जेल में बंद गैंगस्टर के एनेक्सिस को रोकने समेत अपराधियों के दूसरे जिलों में शरण लेने को लेकर चर्चा की गई। वहीं अपराध को रोकने को लेकर सभी राज्यों के पुलिस अधिकारियों ने मिलकर काम करने का प्लान बनाया है। और इसी के साथ 22 जिले 22 खबर में मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।